नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। अब और आज से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हम लोग पढ़ने सीखने जा रहे हैं, तो उसी को लेकर के ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। इसमें हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का इंट्रोडक्शन को हम लोग देखते हैं। तो ये जो कानून है, सेक्शन वन में जो बोला गया है, ये जो कानून है इसको हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बोलेंगे, ठीक है। इस कानून को हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हम लोग बोलेंगे। और ये कानून पूरे भारत में लागू होगा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके ये पूरे भारत में लागू होगा। इसमें एक और भी है, ये उन लोगों के ऊपर भी लागू होगा जिनका डोमिसाइल्ड इंडिया में है। मतलब ये एक्ट उस टेरिटोरी में जहाँ एक बंदा रह रहा है उस टेरिटोरी में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन उस बंदे का जो डोमिसाइल्ड है, जो परमानेंट घर है, वो उस टेरिटोरी में है जहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होता है। तो अगर ये केस है तो वो जो बंदा है उसके ऊपर भी हिंदू लोग अप्लाई होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये कानून किन किन लोगों के ऊपर लागू होता है, जो कि सेक्शन टू में बताया गया है। तो इस का ये कानून सभी लोगों, जैसे कि वीरशैवा, लिंगायत जो कि ब्रह्म समाज को फॉलो करते हैं, प्रार्थना समाज को फॉलो करते हैं, आर्य समाज को फॉलो करते हैं, उन सभी लोगों के ऊपर में ये हिंदू लॉ अप्लाई होगा। इसमें ये जानना है कि वीरशैवा या लिंगायत किसको बोलते हैं। ये दोस्तों वो लोग होते हैं जो लोग शिव भक्त होते हैं, ज़्यादातर ये लोग कर्नाटका में पाए जाते हैं। तो वो लोग हार्ड कोर शिव भक्त होते हैं, तो उनको वीरशैवा या लिंगायत बोलते हैं, ठीक है। तो वो लोग भी एक्चुअली हिंदू धर्म के, हिंदू लॉ के अंदर में आएंगे। अच्छा, दूसरे वो लोग सभी लोग आएंगे जो लोग जैन धर्म को फॉलो करते हैं, सिख धर्म को फॉलो करते हैं या बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं, वो लोग भी हिंदू लॉ के अंदर में आएंगे। तीसरा, वो लोग हैं जो लोग उस टेरिटोरी में रहते हैं जिस टेरिटोरी में ये एक्ट अप्लाई है, ठीक है, लेकिन वो लोग ना तो मुस्लिम धर्म मानते हैं, ना क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, ना पारसी धर्म मानते हैं, ना जीव धर्म मानते हैं, मतलब कोई धर्म नहीं मानते, ठीक है। हिंदू धर्म भी मान लीजिए नहीं मानते, कोई धर्म ही नहीं मानते, ठीक है। और उस टेरिटोरी में रहते हैं जहां पर हिंदू लॉ अप्लाई है। तो इसमें यह बोला गया है जो लोग बाकी धर्म नहीं मानते, जो कि मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ये हो गया पारसी हो गया, जीव हो गया, वो लोग भी हिंदू लॉ के अंदर में आ जाएंगे। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात यह है कि अगर उन लोगों का अपना ही कुछ एक धर्म है तो फिर उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि मान लीजिए कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक टेरिटोरी में रहता है जहां पर हिंदू लॉ अप्लाई है। मिस्टर ए ना तो मुस्लिम धर्म मानता है, ना जीव धर्म मानता है, ना पारसी धर्म मानता है, ना क्रिश्चियन धर्म मानता है, और वो हिंदू धर्म भी मान लीजिए नहीं मानता, वो कोई धर्म ही नहीं मानता, तो उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर एक ये कम्युनिटी है, एक ट्राइब है जिसका खुद का एक कोई एक धर्म है, तब उनके उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत जानने वाली बात है। अब कुछ और लोग जो कि जिसको कि हम हिंदू के अंदर में जानेंगे, एक बच्चा
जिसके माँ बाप दोनों हिंदू हैं या जैन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, बच्चा जायज भी हो सकता है, नाजायज भी हो सकता है, तो वो बच्चा को भी हम लोग हिंदू बोलेंगे। दूसरा, एक बच्चा पैदा हुआ, उसका एक जो पेरेंट है, वन ऑफ द पेरेंट्स, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, वो या तो हिंदू है, जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, और वही पेरेंट उस बच्चे का लालन पोषण करता है, बच्चे को बड़ा करता है अपने धर्म के अनुसार, तो वो बच्चा को भी हम हिंदू बोलेंगे। तीसरा, कोई भी इंसान जो कि हिंदू धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, अपने आप को अगर उस धर्म में कन्वर्ट कर लेता है या रिकन्वर्ट कर लेता है। रिकन्वर्ट का मतलब हुआ, मान लीजिए मिस्टर ए है, वो पहले कन्वर्ट हुआ हिंदू में, फिर वो दूसरे धर्म में चला गया, फिर वो हिंदू धर्म में आया, तो उसको रिकन्वर्ट बोलते, तो उसको भी हिंदू ही माना जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो शेड्यूल ट्राइब है, जो कि क्लाउज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको कि बताया गया है, जिसका कि डेफिनेशन दी गई है शेड्यूल ट्राइब की, उनके ऊपर में लेकिन हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। वो तभी अप्लाई होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में ये चीज को लेकर लिखेगा या बोलेगा, नोटिफाई करेगा, तभी अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि धर्म के अनुसार तो हम लोग देख लिए क्या कौन किसको किसको हम लोग हिंदू बोल सकते हैं। इसमें यही है, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें यही बात बोली गई है कि जो लोग कोई भी धर्म फॉलो नहीं करते और जो लोग उस टेरिटोरी में रहते हैं जहाँ पर कि हिंदू लॉ अप्लाई है, तो उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा, यही बात बोली गई है। तो यही है दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ने सीखा कि ये एक्ट कहाँ अप्लाई होता है और किन लोगों को के ऊपर में ये एक्ट अप्लाई होता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।